अस्सलाम वालेकुम माई ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सर जी? गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। आज ही सुबह मैंने अपने काम का आगाज़ किया था। ये इनके फ़िल्टर वॉश करने थे। इतने दिनों से एसी कूलिंग नहीं कर रहा था, 2-3 दिन हो गए। मैं सोच में पड़ी हुई थी कि ये क्यों नहीं कर रहा। अभी 1 महीना पहले तो हमने इसको वॉश कराया था, तो जी जब इसके फ़िल्टर निकाले गए तो फल्ला इसका हाल चेक करें आप, बिल्कुल ही ब्लॉक हो गए थे। जब इनकी आर पर हवा जानी नहीं है तो फिर ये कहाँ से कूलिंग करने थे। तो इससे मुराद है कि हमारे मुल्क में इतनी डस्ट है कि 15 दिन बाद फ़िल्टर बिल्कुल ही ब्लॉक हो चुके थे। मैंने जी अपनी हेल्पर से कहा ये तो मुझे दो ना, मैं इनको वॉश करती हूँ, तो उसने मुझे उतार के पकड़ा दिए। तो मैं इसको वॉश कर रही थी और साथ में ये सोच रही थी कि ये 15 दिन बाद इनका क्या हाल हो चुका है बेचारों का। तो ये जी इनको तो मैंने चमका दिया। फिर तो उसके बाद जी बच्चे भी आ गए थे, 1:30 बजे का टाइम था। तो अभी मैंने खाना नहीं बनाया हुआ था क्योंकि जब दूसरे कामों में लग जाओ ना, खाना बनाना फिर ना वो एंड में पड़ जाता है। तो मैंने सोचा कि जी माश की दाल जो कल पकाई थी उसके साथ इनको पराठे बना देती हूँ। पराठों के साथ जो है ना माश की दाल बहुत मज़ेदार सी लगती है। तो ये मैं पराठे बनाती हूँ और बच्चों को ऐसे पसंद हैं कि ना मम्मा ऐसे पराठे बने हों, क्रिस्पी हों, पूड़ी स्टाइल के। तो इस तरह मैं एक तरफ से ऑयल लगा के, इसको घी लगा के और फिर ना रुमाल के साथ थोड़ा प्रेस करती हूँ। इसके साथ ना बहुत मज़ेदार बन जाते हैं और ना इनका क्रिस्पी जो होता है ना एक टेक्सचर ऐसा आ जाता है कि जैसे पूड़ी, हलवा पूड़ी वाली पूड़ी होती है ना, वो वैसे फ्राई हुए ऐसे लगते हैं। तो ये देखें जब मैं इसको तोड़ रही थी तो ये इतने मज़ेदार थे, क्रिस्पी भी थे और सॉफ्ट भी थे। मज़ा तब भी है अगर इनमें कड़ाव आ जाए ना, फिर वो बात नहीं रहती। इनको क्रिस्पी भी होना चाहिए, सॉफ्ट भी। और जी ये हुज़ैफ़ा ने तो मज़े लगा लगा के खा ली दाल के साथ। अब जी मैं अपनी हेल्पर को कह रही थी ये फ़िल्टर वगैरह दोबारा लगा दो, तो वो फ़िल्टर लगा रही थी। और इधर जी हुज़ैफ़ा से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, वो लेके आया था क्योंकि हुज़ैफ़ा की ही फरमाइश थी। तहरीम हुज़ैफ़ा का अचानक प्रोग्राम बना हुआ था कि मामा हमें पास्ता बना के दो। तो मैंने कहा उसका तो सामान ही घर में नहीं है। तो हुज़ैफ़ा ने कहा जी मामा मैं ले आता हूँ, मुझे लिख के दे दो। तो मैंने उसको फिर छोटा मोटा जो जो मंगवाना था उसके लिए, मैकरोनी के लिए, वो मैंने इसको लिख दिया। तो वो पास्ता भी ले आया, जो उसमें शिमला मिर्च गाजरें वगैरह डलनी थी सब ले आया। और आपको तो पता है मैंने आपको पहले भी बताया था जो वेजिटेबल्स होती हैं वो मैं बिल्कुल फ्रेश मंगवाती हूँ। गाजरें होगी, शिमला मिर्च मैं पहले से फ्रिज में रखी हुई नहीं यूज़ करती हूँ, इतनी क्वांटिटी में मंगवाती हूँ जितनी मुझे चाहिए होती हैं। और जी ये हुज़ैफ़ा कह रहा था मामा आपने पैसे मुझे इतने दिए थे और ये बच गया है। तो मैंने कहा बेटा अभी तो तुम बच्चे हो ना, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। तो अभी तो जो है ना सारी पापा सारी चीज़ें ला के देते हैं, तो वो तुम लोगों को इतना पता नहीं है कि क्या प्राइजेस चल रही हैं। तो वो खुद परेशान था, मम्मा इतनी की इतनी आपने पैसे दिए थे ये बच के। मैंने तो इस तरह जी मैंने ना ये वॉश की सब्जियां और उसके बाद मैकरोनी थे इस पैकेट में से मेरे ख्याल से 1.5 कप जितनी मैकरोनी निकली होगी। और जी 8-10 ग्लास मैंने पानी रखा, उसमें 1/2 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया, 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड किया। और इसको मैं ना जब ये फुल पक जाएगा पानी तो इसमें जी मैंने मैकरोनी को ऐड कर देना। और मैकरोनी का कुकिंग टाइम में है 8 मिनट, 8 मिनट के अंदर आपकी ज़बरदस्त सी मैकरोनी रेडी हो जाएगी। और ये फ्लेम पर भी डिपेंड करता है, अगर आपने हाई फ्लेम पर पकाई है तो 8 मिनट काफ़ी हैं, लेकिन अगर आपने लो फ्लेम पर पका ली तो फिर तो इसने दम पे ही गल जाना है और ज़्यादा ही इसने गल जाना है। तो इसको ना 90% इसकी गलाई होनी चाहिए और जो है फिर ये मज़ेदार बनती है। तो जी 8 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी थी, इसको अब मैंने सेपरेट कर लिया। और जो इसका पानी है ना उसमें से 1 कप मैंने रख लिया, बाकी ड्रेन कर दिया। और जी इसमें अब जाएगा 2 टेबलस्पून ऑयल।
इसको मैंने खुले मुंह के बर्तन में डाल के ना अच्छी तरह मिक्स कर लिया था, क्योंकि ये आपस में चिपक जाती हैं, तो हमने इसको चिपकने नहीं देना। तो ये जी इसको अलग अलग रहना। अब जी जो हमने इसका मसाला रेडी करना है, तो सबसे पहले तो हमने इसकी सब्ज़ियाँ काटी, मैं अपनी हेल्पर से काटती हूँ, कुछ तुम काटो कुछ मैं काटती हूँ, सारा टाइम इसका सब्ज़ियाँ काटने में ही लगता है। तो 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल या उसमें 1 कप जो एक प्याज जो है ना, सिर्फ एक प्याज चॉप किया वो डाल देना है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 टीस्पून ये डालना है। इनको 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और उसके बाद जी हम डालेंगे चिकन, चिकन जो है बोनलेस हमारे पास है 1/2 किलो, 1/2 kg, तो इसमें ऐड करेंगे चिकन। और चिकन की बोटियाँ जो है ना, मैंने थोड़ी थोड़ी सी ना नज़र आनी चाहिए इतनी रखी थी। तो उसके बाद जी हमने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं, जिसमें नमक है, सूर्ख मिर्च पिसी हुई, साबुत सूर्ख मिर्च पिसी हुई, काली मिर्च, चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, ये सारे मसाले जो है ना 1/2 टीस्पून इसमें जाएंगे। चाट मसाले का टेस्ट बहुत मज़ेदार लगता है इसमें, और ये डिपेंड करता है कि चाट मसाला भी आपके पास कौन सा है। तो जी इसको ना आप चाट मसाला, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है चाट मसाला आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमने ऐसे फ्राई करना है 2-3 मिनट के लिए। एक टमाटर है चॉप किया हुआ वो डाल देना है। और उसके बाद जी 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून हमने चिली सॉस डाल देना है। और उसके बाद जी हमने जो मैक्रोनी का बचा हुआ पानी था 1 कप, वो हमने इसमें डाल देना है। इसके साथ इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और साथ में चिकन जो है ना हमारा गल जाएगा इसी के अंदर, 5-6 मिनट के अंदर जो है हमारा चिकन भी कुक हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या ऐड करना है, हमने ऐड करनी है केचप, 6 टेबलस्पून आपने केचप इसमें ऐड कर देनी है। केचप के साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा बन जाता है। उसके बाद मेरे पास 3 गाजरें थी, 2 शिमला मिर्च थी, इनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया, चॉप कर लें काट लें। और इसमें से मैंने थोड़ी थोड़ी सी बचा के भी रख लिया, क्योंकि वो मैं एंड में गार्निश करनी है इसलिए बचाई हैं। तो उसके बाद जी हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, 1-2 मिनट के लिए हम कुक करेंगे, फिर इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे। मैक्रोनी तो ऑलरेडी कुक है हमारी, तो जी मैक्रोनी ऐड करके ना, तो मेरे पास ना चीज़ पड़ी हुई थी मोज़रेला चीज़, वैसे तो चीज़ की आप ऑप्शनल एंड डालें ना डालें, लेकिन मेरे पास पड़ी हुई थी, चीज़ के साथ ज़रा टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, और ये मैक्रोनी की जो बाइंडिंग है ना इसमें एक तार सी बन जाती है तो बड़ी प्यारी लगती है, तो इसलिए मेरे पास अवेलेबल थी उस वक्त, तो मैंने इसको डाल दिया। और आपके पास ना हो तो आप ना डालें। तो जी इसके बाद इसको मैंने ना जब चीज़ डाल दी, और गार्निश के लिए मैंने थोड़ी सी गाजरें काटी हुई थी, कद्दूकस की हुई थी, और साथ में शिमला मिर्च ये मैंने बचा के जो रख रही थी ना वही डाली। और उसके बाद मोज़रेला चीज़ डाल दी, चैडर चीज़ भी डाल सकते हैं, मोज़रेला भी डाल सकते हैं। और इसको मैंने ना रख दिया दम पर, 2-3 मिनट के बाद ये मेल्ट हो जाएगी। आजकल गैस ने बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, तो अभी मैंने देखा था ये अभी मेल्ट नहीं हुई थी, तो मैंने 1 मिनट के लिए और इसको ढक के रख दिया। तो जी देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, क्या खुशबू आ रही थी। तहरीम से बार बार पूछती थी, मम्मा इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है, कब बनेगी कब बनेगी। मैंने कहा सब्र कर लो, बननी है तुम लोगों ने खानी है सारी। तो जी ये मज़ेदार सी ना, ये देखें आप इसकी लुक, चिकन मैक्रोनी चिकन पास्ता की लुक आप चेक करें। और जी नीचे हुज़ैफ़ा की टीचर ट्यूटर भी पढ़ाने आ चुके थे, शाम का टाइम था तकरीबन 5 बजे का, तो मैंने कहा उनको भी टेस्ट करवा के लाती हूँ, तो आप इसकी लुक चेक करें कितनी मज़ेदार लग रही है। और चिकन जो है ना मैंने थोड़ा सा ना इसमें बड़ी बड़ी सी वो बोटियाँ करके डालती हूँ, उसका ना जो एक बाइट के अंदर जो टेस्ट आता है मैक्रोनी के साथ, सो यम्मी। तो अब जी मैं आपको चेक कराती हूँ, ये देखें कितना मज़ेदार सा लग रहा है, किस किस का खाने को दिल कर रहा है। अब जी वो टीचर हुज़ैफ़ा की ट्यूटर आ चुकी थी, उनके लिए मैं डाल के लेके जा रही थी, तो मैंने कहा उनको टेस्ट कराती हूँ, तो उन्होंने भी खा के चेक किया और उन्होंने कहा कि बहुत मज़ेदार बनी है, यमी यमी बनी है, गरम गरम यमी यमी। तो जी इस तरह से जी फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग का होता है एंड अल्लाह।